हेलो कृपान आवाज आ रही है ना हाँ तो आदाब अभिनंदन आभार बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का तो देखो जरूरी है आना समझे तो जिस क्लास में आपने अब तक सीखा है बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हमने पढ़ ली थी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत के बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की आज बारी थी पढ़ने की आर एन ए स्प्लाइसिंग मतलब लेक्चर जो स्केड्यूल्ड है उस हिसाब से तो आर एन ए स्प्लाइसिंग है लेकिन स्प्लाइसिंग की तरफ हम पहले तब बढ़ेंगे जब पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी लेकिन प्रो कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ही एक दो स्टेप बाकी थी जैसे इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन तो एलोंगेशन और टर्मिनेशन को भी हम थोड़ा बात करते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे प्रो कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की और फिर प्रो कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे स्प्लाइसिंग की तरफ तो तैयार हैं आप सभी जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट अपने बाकी साथियों को बताएं कि हाँ भाई आ गए मैं बिल्कुल ठीक हूँ सचिन मैं एकदम ठीक हूँ है ना एक लेक्चर पीछे क्योंकि जब डीएनए डैमेज और रिपेयर वाला जब हम क्लास पढ़ रहे थे उसमें मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा ले ली थी आपके लिए ये समझाने के लिए कि म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं ताकि आपको डैमेज समझ में आए उस क्लास के चलते कोई बात नहीं चलते हैं ठीक है तो देखो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉपिक टू बी कवर्ड अभी तो ट्रांसक्रिप्शन चलने लगा है तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे जिसमें हम इनिशिएशन की कुछ कहानियां देख चुके थे हम पढ़ेंगे एलोंगेशन और टर्मिनेशन एलोंगेशन और टर्मिनेशन इसके अलावा हम इनिशिएशन भी देख लेंगे इनिशिएशन इनिशिएशन में बेसिकली एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है प्रमोटर स्केप तो प्रमोटर स्केप को भी पढ़ेंगे तो इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन बहुत सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए इनिशिएशन को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अच्छा गेट का एग्जाम होगा क्या गेट के एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा गया है किसी ने एक प्रश्न पूछा है तो देखो गेट बी और बी ई टी का एग्ज़ाम ये इसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गई है क्योंकि आपने पूछा किसी ने पूछा तो मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो गेट बी या बी टी की तैयारी कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है कि आप बताइएगा आपके भाई बहन जो गेट बी की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अगर एलिजिबल हैं वो अगर एम करना चाहते हैं या आप उनको ज़रूर बताइएगा इन्फॉर्म करिएगा और उसके लिए एक तैयारी भी हो रही है किताब जो है बायोटेक्नोलॉजी की डी बी की किताब भी है इसमें से भी तमाम सारे प्रश्न आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो ये दो चीज़ें आप याद रखें एक तो एक किताब है जो डी बी के लिए आई है अभी डी बी टी जे आर एफ भी आ जाएगा आपके पास इतने सारे एग्ज़ाम हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं है बेचारे आप कितने बाकी गेट का एग्ज़ाम तो होगा ही गेट के एग्ज़ाम के लिए ऐसा कोई मैंने बात नहीं सुनी कि वो ना हो तो गेट का एग्ज़ाम तो होगा ही तो वापस लौटते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो इनिशिएशन इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन की कहानी पढ़नी है इनिशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक आपको याद होगा कुछ मॉडल के बारे में हम बात कर रहे थे जब सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज को तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे आगे बढ़ता है देखो उजमा क्या कह रहे हैं उजमा अली के परसेंटाइल देख रहे हो 99.056 एंड बिकॉज ऑफ दिस इमोशन बैच मतलब सोच लो कितना फायदा है इमोशन बैच का जिस बैच में तुम पढ़ रहे हो उसी बैच से कोई जे निकाल रहा है ये संभव है है मिल जाए ना चलिए बात करते हैं आगे तो यहां पर देखिए कि तीन मॉडल बताए थे एक में कह रहे थे कि थोड़ी दूर जा करके आ जाता है एक में कह रहे थे कि जो कैटेलिटिक सब यूनिट है वो आगे बढ़ती है एक सब यूनिट तो यही रह जाती है इसमें कह रहे थे कि नहीं आरएनए खुद ही आता है पर जो कुछ भी होता है हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है उसका यानी कि लगभग आठ से दस न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और फिर टर्मिनेट आर एन ए पॉलिम्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा बार बार पकड़ करके सिग्मा फैक्टर वहीं पर बैठा है सिग्मा फैक्टर के रिलीज हो जाने को है ना? जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाए रिलीज ऑफ सिग्मा फैक्टर फ्रॉम आरने पॉलिम रेस अगर ऐसा होता है तो ये कहलाता है कि भाई अब प्रमोटर को स्केप किया जा सकता है क्योंकि प्रमोटर पर बार बार पकड़ के बिठा देने का काम बार बार यस एबॉर्टिव इनिशिएशन इसी को बोलते हैं मोनिका सही कह रही हैं एबोर्टिव राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी बोल सकते हैं एबोर्टिव इनिशिएशन जिसमें आठ दस न्यूट्रोटाइट के बाद ट्रांसक्रिप्शन को एबॉर्ट कर दिया जाए लेकिन फिर से इनिशिएट किया जाए ऐसा कुछ राउंड चल सकता है और उसके बाद एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि बार बार प्रयास करने से ये जो प्रमोटर है वो स्केप हो जाएगा सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाएंगे असल में क्या होता है सिगमा फैक्टर जब तक बाइंड है वो आर ट्रांसक्रिप्ट जहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है ना उस टनल पर जा करके उसको ब्लॉक किए रहता है तो आर एने एग्जिट टनल को ब्लॉक करके रखा है सिग्मा सिग्मा फैक्टर ये हट गया तो आर भी निकलने लग गए आराम से सब कुछ सुखी जीवन चलने लगा प्रमोटर स्केप हो गया और जैसे ही प्रमोटर स्केप हुआ तो हम कहते हैं कि अब इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रमोटर स्केप हुआ तब फिर दूसरी स्टेप आ जाएगी किसकी ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन की ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन ठीक है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन में क्या बात याद रखनी है यहां पर कोई प्रोटीन होता है जिसका नाम है नस जी नस जी एक ऐसी प्रोटीन है जो बाइंड रहती है आरएनए पॉलीमरेज के साथ और आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड रह करके क्या करेगी ये प्रिवेंट करेगी क्लोजिंग ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स या यूं कह लो कि जो ओपन कॉम्प्लेक्स है ओपन कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों जब ट्रांसक्रिप्शन बबल खुला रहे और आरएनए पॉलीमरेज उस पर बैठे ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है दैट इज ओपन कॉम्प्लेक्स आरएनए बबल का बनना दोनों स्ट्रैंड डीएनए के खुलना ये ओपन कॉम्प्लेक्स। अगर आरएनए बैठा है और डीएनए बंद होने की कोशिश करने लग जाए कहीं जीसी कंटेंट आ गया, कहीं कुछ आ गया तो इसका मतलब है कि जब ओपन कॉम्प्लेक्स क्लोज कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट हो गया कहीं पर भी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं चलेगा अरे अरे थैंक यू उजमा और नेहा कह रही है आज आपके गांव को देखा अच्छा ओ हो हो क्या बात है तो देखो हाँ तो मैं वहीं से हूं ठीक है अभी देखो यहां पर नज जी तो क्या कहा गया नज प्रोटीन बाइंड होती है आर एन पॉलीमरेज के साथ और ये प्रिवेंट करता है क्लोजिंग ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स है ना समझ गया कि नहीं क्लोजिंग ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स ओपन कॉम्प्लेक्स है मतलब जब आर एन बबल खुले हों तो उनको बंद नहीं होने देता है तो ये समझ लीजिए कि नस जी अगर साथ है नज जी अगर बाइंड है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज को कोई भी टेंशन नहीं है आर एन चलता जाएगा चलता जाएगा इसको कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन जैसे ही नज जी अगर नहीं है तो फिर समस्या क्या आती है कहीं जीसी कॉम्प्लेक्स को देखा बार बार जीसी सीक्वेंस आ रहे हैं तो जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो क्लोज होने की कोशिश करता है समझ गए इसलिए नज़ जी ये कविता पढ़ते चलता है आरएनए पॉलीमेरेस के साथ कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा समझे निज हाथों में आग लगाकर निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा ये कविता है कदम मिलाकर चलना होगा नजी और आर एन को और फिर बढ़ते चले जाते हैं इससे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है ठीक है बहुत बहुत आशीर्वाद जितने लोग यहाँ पर हैं उन सभी को और मैं ये चाहता हूँ कि आपका बच्चों जे निकल जाए तो बस देखो पढ़ते रहो आई के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहो पढ़ते रहो और अपने दोस्तों को भी बुलाओ कि आओ भैया पढ़ो कहाँ तक खो गए थे अभी तक है ना और जो नए लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे मुझे लगता है कि सब आ गए हैं अब देखो आगे बढ़ते हैं यह तो हमने मान लिया कि आगे यह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा पर कभी कभी हो सकता है कि गलती से कुछ गलत यहां पर हाँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कदम मिलाकर चलना होगा ना तो देखो प्रूफ रीडिंग इन आरएनए पॉलीमरेज अब हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है आरएनए पॉलीमरेज चलते चलते कहीं कुछ गलती कर दे अब आरएनए पॉलीमरेज में आमतौर पर एंजाइम के अंदर कोई ऐसी प्रूफ रीडिंग इंट्रेंसिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंजाइम के अंदर नहीं है ठीक है वो फूक फूक करके कदम रखता है लेकिन अगर कोई पूछे कि फेडिलिटी क्या है तो आप कहोगे कि फेडिलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है ये हद से हद हज़ार न्यूक्लोटाइड जोड़ने पर कुछ गलतियां कर सकता है एकाध गलती कर सकता है प्रूफ रीडिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा दस हज़ार न्यूक्लोटाइड ठीक है अच्छा प्रूफ रीडिंग कौन करेगा प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा चो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रूफ रीडिंग देखो एक तो है पायरोफॉस्फेट एडिटिंग पायरोफॉस्फेट एडिटिंग क्या है मान लीजिए कि ये कोई टेम्पलेट है जहाँ टी है जहाँ ए ए है ये डीएनए है राइट अब इस डीएनए पर कोई सामने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे हैं टी के सामने सपोज यहाँ यू जोड़ा गया और इसके सामने ए के सामने कुछ जोड़ा जा रहा था ओएच ग्रुप था इस ओएच OH ग्रुप ने देखो आर एन ए पॉलीमरेज यहां पर काम कर रहा है एंजाइम यहाँ पर काम कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे काम करते हैं इस आर एन पॉलीमरेज की एक्टिव साइट में कोई न्यूक्लोटाइड आ रहे हैं कौन आ रहा है ये आ रहा है सपोज एक न्यूक्लोटाइड ए के सामने सपोज सी आ रहा है अब ए के सामने तो यू आना चाहिए पर कौन आ रहा है सी आ रहा है सी को तो नहीं आना चाहिए पर आ रहा है अब क्या कर सकते हैं इसके पास तीन फॉस्फेट तीन फॉस्फेट लेकर आ रहा है इधर ओ एच ग्रुप है अब आप तो जानते हो कि अगर ये न्यूक्लोटाइड आने की कोशिश करता है मान लो ये न्यूक्लोटाइड इधर आने की कोशिश करता है इधर आने की कोशिश करता है तो गलती से ही सही पर न्यूक्लोफिलिक अटैक इसके ऊपर भी हो सकता है तो चलो न्यूक्लोफिलिक अटैक कराते हैं हो गया मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक पायरो यहीं पर है और जो न्यूक्लोटाइड का अल्फा फॉस्फेट था वो जा करके इससे जुड़ गया इसका जो ओ ग्रुप है ओ एच ग्रुप से एस तो हट गया क्योंकि यहाँ नए बॉन्ड बनाने ही हैं और ये वाला न्यूक्लोटाइड यहाँ पर जा करके जुड़ गया और बच्चों ये जो बॉन्ड बांड, बॉन्डिंग हुई है ये जो बॉन्डिंग हुई है वो ठीक नहीं लग रही ये जो बॉन्डिंग हुई है वो ठीक नहीं लग रही यहां पर एडिनीन से साइटोसिन जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं पर ठीक ढंग से जुड़ नहीं पाए गलत है ना ए से सी कहां जुड़ता है ए से तो यू जुड़ना चाहिए ये रेड वाला आरएनए ट्रांसक्रिप्ट था गलती से गलत जुड़ गया हो गया गलती से मिस्टेक हो गया तो अब क्या करें इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए पायरोफॉस्फेट जो अभी अभी रिलीज किया गया था वही उल्टा अटैक करेगा कहेगा अरे अरे भाई गलती से गलत बॉन्ड तो गलती से गलत बॉन्ड को ठीक क्यों ना कर लिया जाए ये फॉस्फेट वापस से अटैक करेगा और पूरे पूरे न्यूक्लोटाइड लेकर के जाएगा कहेगा ना ऐसी बदमाशी तो कभी करनी ही नहीं चाहिए जो न्यूक्लोटाइड इसके हैं ही नहीं उनको यहाँ क्यों रखा जाए भाई चलो बाहर तो देखो पायरो खुद इसने खुद ही कमान संभाल ली और ये लेकर के इसको बाहर निकल आया तो आप देख रहे हो पायरोफॉस्फेट एडिटिंग क्यों करा कहा गया इसको बच्चों क्योंकि ये अटैक किसने किया था पायरोफॉस्फेट ने खुद ने किया था तो इसको क्या कहते हैं एडिटिंग कहते हैं एक और तरीका होता है एडिटिंग के अलावा और वो तरीका क्या होता है प्रूफ रीडिंग का एक और तरीका है दूसरा तरीका है सेकेंड वे ऑफ प्रूफ रीडिंग हाइड्रोलाइटिक लीवेज हाइड्रोलिटिक लीवेज का मतलब अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लोटाइड पाइरोफॉस्फेट एडिटिंग से भी बच गया आरएनए में वो फिर भी प्रेजेंट है तो अब क्या करेंगे अब हाइड्रोलिटिक लीवेज उस गलत आरएनए को तोड़ दिया जाएगा ऐसे गलत आरएनए वो हैं ही क्यों यहां इनको क्यों ना हटा दिया जाए ये डीएनए टेंपलेट था इससे आर एन ट्रांसक्रिप्ट निकल रहे थे पर गलती से इस जगह पर एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आकर के इनकॉर्पोरेट हो गया था और वो बच गया हाइड्रोलिटिक्लीवि पायरोफॉस्फेट एडिटिंग से इसलिए यहां पर एक दूसरा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करने वाला जी आर ई नाम का एंजाइम है जिसके साथ एसोसिएटेड था इसने क्या किया इस गलत न्यूक्लियोटाइड से पहले ब्रेक लगा दिया और पूरे आरएनए को ही तोड़ दिया यहां से लेकर के यहां तक आरएनए टूट गया आर एन ए तोड़ दिया गया बच्चों इसलिए तोड़ दिया गया ऐसे गलत आर एन ए अगर आगे चलेंगे तो सोचो कितनी बुरी बात है ये सही है कि नहीं इसलिए इसको तोड़ दिया यहाँ से तोड़ दिया ये गलत न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अब ये पूरा आर एन ए का हिस्सा रिलीज हो जाएगा छुटकू से ट्रांसक्रिप्ट जो यहां पर हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे गलत न्यूक्लियोटाइड वाले और फिर से आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज इसको कंटिन्यू करेगा ठीक है जो सही वाला है इसको तो हटा दिया गया ये लो हटा दिया गया और फिर आर एन ए क्या करेगा आर एन ए आगे कंटिन्यू करेगा फिर से यहां ओ एच दिखाई दे रहा होगा नए न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ना शुरू करेगा और आर एन ए अपनी प्रोसेस पूरा कंटिन्यू करता रहेगा समझ गए तो आपने दो बातें पढ़ ली बच्चों एक तो ये पढ़ा कि पायरोफॉस्फेट ने एडिट कर दिया और दूसरा आपने ये पढ़ा कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हुआ यहां पर कोई फैक्टर बैठा था उसने गलत न्यूक्लोटाइड को देखा और उससे देखा नहीं गया क्या ये गलती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसने कट लगाया आर का छोटा सा टुकड़ा टूट गया और बस फिर आर आगे बढ़ने लग जाएगा लेकिन देखो फिर भी ये सब कर लेने के बाद जो एरर रेट अगर आप देखोगे तो आप हंसने लग जाओगे मतलब इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी जो फेडल्टी है जो एरर रेट है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो कितनी है जानते हो वो है वन इन टेन थाउजेंड न्यूक्लोटाइड ये तो बहुत कम है डीएनए पॉलीमरेज तो मतलब लगभग एक टेन टू पावर टेन कुछ ज्यादा ही हो जाता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम अगर काम कर जाते हैं अदरवाइज टेंट पावर सेवन

बन चुका होगा लेकिन फिर भी मान लीजिए कि गलती क्योंकि फ्रीक्वेंटली हो रही है तो हो भी जाए अब एक आरएनए की कॉपी गड़बड़ होने से क्या फर्क पड़ता है अरे हजार कॉपी बनी है एक दो कॉपी गड़बड़ हो गई तो क्या दिक्कत है बाकी नौ सौ निन्यानबे से तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगी ना जो गड़बड़ बना है उसको डिग्रेड कर दो समझ गए कि नहीं डीएनए में अगर एक गलती हो जाती है तो बड़ी समस्या होती है क्योंकि वही गलत इंफॉर्मेशन आगे गलत आर बनाएगी आगे गलत आर बनाएगी तो आगे गलत प्रोटीन बनेगी और वो जिंदगी भर बनती रहेगी इसलिए डीएनए में बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए प्रूफ रीडिंग के कई तरीके हैं रिपेयर के कई तरीके हैं कि नहीं नहीं गलत नहीं हो नहीं गलत नहीं हो नहीं गलत नहीं हो पर आरएनए बनाने में इतनी कोई समस्या नहीं हो गई गलती तो हो गई आरने कहता है नहीं नहीं बताइए ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे अरे हम तो आरणे हैं झोला उठा के डिग्रेड हो जाएंगे जी समझे डिग्रेड हो जाता है है ना एक आर एन एक गलत बना तो क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो ये बात समझ में आ गई अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन गाड़ी चलते 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 अब समापन की ओर पहुंची है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की ओर पहुंची है तो ये तीसरा स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कैसे होगा बच्चों ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन देखिए कितने तरह से होता है और कैसे कैसे होता है उसको जरा समझिएगा टर्मिनेशन बच्चों दो तरह से होता है यह टर्मिनेशन का तरीका कहलाता है रो डिपेंडेंट रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होगा देखो बेसिकली होता यह है कि ट्रांसक्रिप्शन करते करते कुछ ऐसी सीक्वेंस आ जाती हैं ऐसी सीक्वेंस आ जाती हैं जिनको कहा जाता है आरएनए में रट साइट ठीक है कौन सी साइट आ जाती है रट साइट आ जाती है अब सवाल है कि इन रट साइट को कैसे मतलब इस इस रट साइट का क्या होगा रट साइट का मतलब होता है बच्चों रो यूटिलाइजिंग साइट हारने में ये रट साइट है रो यूटिलाइजिंग साइट है इस साइट को कोई प्रोटीन रो प्रोटीन पहचान लेता है ठीक है कौन पहचान लेता है रो प्रोटीन पहचान लेता है सॉरी हाँ रो प्रोटीन पहचान लेता है अब रो प्रोटीन पहचानेगा यहां पर बाइंड करेगा ये हेक्सामेरिक प्रोटीन है छह सब यूनिट है और इसको पहचान लेगा पहचानने के बाद अब देखो नस जी यहां पर है नस जी इसको एक्टिवेट करेगा रो भाई साहब सीधा चले जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर और ऐसा माना जाता है कि ये आर डीएनए का जो हाइब्रिड है उसको तोड़ देंगे ये एंट्री कर जाएंगे यहां पर और इसको तोड़ देंगे आर डीएनए का हाइब्रिड टूट गया और जब टूट जाता है तो फिर क्या होता है बच्चों टूट जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा टर्मिनेट समझ में आ गई बात टूट जाने पर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है तो ये बताएं इन्होंने याद रहे रट साइट है सी रिच सीक्वेंस साइटोसिन रिच सीक्वेंस होता है सी रिच सीक्वेंस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ठीक है लेकिन जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है ना इसको कहते हैं बच्चों एक्सट्रेंसिक टर्मिनेशन या एक्सट्रेंसिक पाथवे या रो प्रोटीन को एक्सट्रेंसिक टर्मिनेटर कहा जाता है कि कोई बाहरी है बाहर से आकर के ये टर्मिनेट करवा रहा है तो एक्सट्रेंसिक टर्मिनेटर और ये मैकेनिज्म कॉमन नहीं है ये रेयर है कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में ऐसा देखा जाता है कॉमन नहीं है बच्चों कॉमन वाली पता है पाथवे कौन सी है ये वाली इसको कहा जाता है रो इंडिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट अब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में देखिए कि ट्रांसक्रिप्शन चलते 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 ऐसी जगह पर पहुंच गया आर आरएनए में कुछ सीक्वेंस ऐसे बन गए जो आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनकी बाइंडिंग होते हुए देखा गया और ऐसे में आर जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पास में ही बैठे बैठे स्टेम लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया अब ये क्यों बनाया क्योंकि आप यहां देख सकते हो आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस शेयर कर रहे हैं अब ये देखो जी रिच इधर है इधर है कैसे रिपीट्स हैं ये बच्चों इन रिपीट्स को अगर देखोगे तो लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड के ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंट्रेंसिक टर्मिनेशन पाथवे में इतने न्यूक्लियोटाइड के इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं या डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप कहेंगे नहीं इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी न्यूक्लियोटाइड के इन्वर्टेड रिपीट्स। अच्छा इनवर्टेड रिपीट्स। इनको क्यों इनवर्टेड कहा गया क्योंकि अगर सीक्वेंस की ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे ना सीक्वेंस की ओरिएंटेशन तो सीक्वेंस ये जो ब्लू वाला पोर्शन है उसमें सीक्वेंस को पढ़ना उसमें जैसे एरो की डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में इधर की तरफ सीक्वेंस आएंगे और जो दूसरी वाली सीक्वेंस है उसमें एरो के हिसाब से इधर की तरफ सीक्वेंस आएंगे तो एरो की डायरेक्शन बता रही कि सीक्वेंस की रीडिंग फ्रेम अगर आप इधर से पढ़ें पढ़े जैसे जी सी 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 जी ए तो इधर भी जी सी 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 जी ए इधर आएगा इसलिए ये इनवर्टेड रिपीट्स है अगर दोनों सीक्वेंस ऐसे पढ़े जाते तो हम इनको डायरेक्ट कहते ये डायरेक्ट रिपीट नहीं है कैसे इन्वर्टेड रिपीट्स है ठीक है ना अब इन्वर्टेड रिपीट्स में हम कहते हैं जो इस टाइम लूप स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशन की संभावना तो होती है ठीक है बच्चों इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन की संभावना है स्टेम लूप में कहीं कहीं कुछ और न्यूक्लोटाइड चेंज हो सकते हैं आपसे प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि स्टेम लूप स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन होता है कि नहीं इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट देंगे अब हो सकता है कह दो कि नहीं बिल्कुल भी वेरिएशन संभव नहीं है तो ये बात गलत है क्योंकि आप देख रहे हो कुछ ऐसी पोजिशन यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां न्यूक्लोटाइड के चेंज होने की संभावना है समझे? तो ये शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट के अंदर जो ये आपस में स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनमें कुछ न्यूक्लियोटाइड के चेंज देखे जा सकते हैं। काम की बात यह है कि इस स्टेम लूप स्ट्रक्चर के बाद पॉली यू इन साइज हो रहा है आरएनए में और यू और ए के बीच कमजोर बॉन्डिंग और साथ ही साथ ये जो स्टेम लूप है आरएनए से जब अटैच होता है तो इसमें एलोस्ट्रिक चेंज लाता है और एलोस्ट्रिक चेंज लाता है तो देखो धक्का दे करके मतलब स्टेम लूप ने क्या किया धक्का दे दिया आरएनए एन पॉलीमरेस को और यहां पर देखो यहां पर स्टेम लूप बना धक्का दिया धक्का दिया तो आरएनए ए डिसोसिएट डिसोशिएट हो गया जब डिसोशिएट हो गया तो ये कौन सा बाइंड रह पाएगा लंबे समय तक यह भी हट जाएगा तो टर्मिनेशन का दो तरीका एक तो रो डिपेंडेंट जिसमें रो प्रोटीन ही अंदर चली जाती है ट्रांसक्रिप्शन बबल के वो तरीका तो अलग वो रेयर होता है ज़्यादातर यही होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है तो टर्मिनेट करने का तरीका है कि अंत में देखोगे तो टर्मिनेटर सीक्वेंस आएंगे टर्मिनेटर सीक्वेंस में ऐसी ही स्टेम लूप स्ट्रक्चर बन जाती है और उस दैट सीक्वेंस इज फॉलोड बाय पॉली यू सीक्वेंस और पॉली यू और ए के बीच एसोसिएशन कमज़ोर होता है This stem loop will bring the conformational change in that RNA polymerase, and after that, this RNA polymerase will dissociate from the transcription bubble so that transcription is terminated. Sam jay Screenshot lelo. Lelia. ठीक है चलो आखिरकार प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हुआ वो देखो संजीत कहते हैं कि सर कैपिंग पहले होता है या स्प्लाइसिंग अरे भाई संजीत अभी तो हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और उसके ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो ना तो यहाँ कैपिंग की ज़रूरत है और ना ही स्प्लाइसिंग क्योंकि प्रो में आराम से कोई एक्जो न्यूक्लियस नहीं रखे जा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं इंट्रॉन होते नहीं हैं क्लस्टर्ड जीन होते हैं इंट्रॉन है ही नहीं जहाँ स्प्लिट जीन होते हैं जहाँ जीन के बीच बीच में कुछ फालतू के सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन होते हैं वहाँ पर स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये कहानी तो हम यू में पढ़ेंगे तो चलें स्टार्ट करें क्या कहते बच्चों अब तक हमने पढ़ा ही क्या है कुछ नहीं पढ़ा हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन का पहले इनिशिएशन पढ़ा इनिशिएशन में जरूरी क्या था प्रमोटर का स्केप होना सिग्मा फैक्टर का डिसोशिएट होना आरएनए एन का आगे बढ़ना बढ़ते बढ़ते कहीं ओपन कॉम्प्लेक्स क्लोज ना हो जाए वहाँ पर कोई प्रोटीन काम कर रही थी जी आपने देखा फिर आपने देखा कि कुछ आगे मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हो सकता है गलत न्यूक्लोटाइड जुड़ जाए उस गलत न्यूक्लोटाइड के जुड़ने पर हाथों हाथ तुरंत पायरोफॉस्फेट एडिटिंग कर सकता है पर हो सकता है पायरोफॉस्फेट के चंगुल से भी कोई बच जाए और गलत न्यूक्लोटाइड रह जाए तो जी आर वहाँ पर काम करता है जी उसको क्लीव कर देता है नस जी क्या करता है नस जी भी आर एन को आगे चलने के लिए प्रमोट करता रहता है अब हम कह रहे हैं चलते चलते जब टर्मिनेशन की बारी आती है तो कुछ बैक्टीरिया रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन को इस्तेमाल में लाते हैं और कुछ बैक्टीरिया रो इनडिपेंडेंट वे में मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया रो इनडिपेंडेंट वे में टर्मिनेशन करते हैं रो डिपेंडेंट में ट्रांसक्रिप्ट में पॉलीसी या सी रिच न्यूक्रोटाइड जहाँ पर आती है उसको कुछ रट साइट बोलते हैं रो यूटिलाइजेशन साइट जहाँ पर छः सब यूनिट वाली रो प्रोटीन आकर के बैठती है और नस जी वहीं पास में बैठा उसको एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो ए टी पी के हार्डलेसेस स्टार्ट कर देती है और फटाक से ऐसे जैसे फिसलते हुए फिसलते हुए कहाँ पर एंटर कर जाती है वो सीधे आर एन ए डी एन ए हाइब्रिड के बीच और वहाँ पर बॉन्ड को तोड़ देती है जबकि रो इंडिपेंडेंट में आपने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कुछ नहीं बस आर ए में कुछ ऐसे रिपीट्स बनने लगे इन्वर्टेड रिपीट्स जो आपस में स्टेम लूप बना लेते हैं स्ट्रक्चर अब स्टेम लूप बना लेते हैं तो स्टेम में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा कंजर्व सीक्वेंस ही रहेंगे कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनेगा यही स्टेम लूप कन्फर्मेशनल चेंज ले सकता है पॉलीमरेज में और इसको टर्मिनेट करवा सकता है तो अब तक जो हमने बात करी वो यही बात करी है लाइव क्लास है लद्दाख एक्सप्लोरर, जहरा आपकी पहली क्लास है तो स्वागत है आपका लाइव क्लास में जहरा पढ़ते रहिए और बाकी लोगों को भी बुलाइए कि वो लाइव ही आए ज्यादा से ज्यादा जब आप लाइव आते हो तो आप ही मेरी एनर्जी हो सौरभ कहते हैं सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ मैं ओवरनाइट लाइब्रेरी में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं जो पढ़ता हूँ वो पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जा रहा है प्लीज़ हेल्प मी सर क्या करूँ सौरभ ठीक है सौरभ मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करो ये वाली बात तो हमने पढ़ ली ना देखो सौरभ की चिंता जो है वो कोई मामूली चिंता नहीं है सौरभ जो बात कर रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्यों क्योंकि सिस्टम हैंग हो रहा है लगता है इसका काम ही नहीं कर रहा है तो जब तक ये सिस्टम काम करे तब तक हम सौरभ की बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सौरभ क्या क्या है देखो बात यह है कि सौरभ के जैसे ऐसे कई सारे और बच्चे है ना वो रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं और फिर रिवीजन करते करते पता चल रहा है कि आज रिवीजन तो कर रहे थे और रिवीजन करते करते हो गई सब गड़बड़ कॉपी जब तक खुली थी तब तक तो याद रहा और जैसे ही कॉपी बंद करी सब भूल गए कि क्या पढ़ा आज हमने आई जोधपुर में किसी वैज्ञानिक का यहाँ पर क्लास कराया था लेक्चर कराया था अपने जोधपुर ऑफलाइन क्लासरूम में तो साइंटिस्ट को हमने बुलाया था बच्चों से बात कराई थी तो उन्होंने एक बात कही कि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ना है असल में आपकी इन्फॉर्मेशन वही नोट्स में रह जाती है फिर कॉपी बंद करते ही सब गायब इससे बढ़िया है कि आप कॉपी को जो चीज़ पढ़ा है चार पांच चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं कॉपी बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा है कम पढ़ो पर इतना पढ़ो कि आप किसी को बता सको अगर आप उसको थॉट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो आप उसको कैरेक्टर उसके नहीं बना पा रहे हो इसका मतलब आपके पढ़ने में कुछ तो कमी है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो सिर्फ नोट्स पढ़ते रहना बार 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 रीडिंग करते रहना ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं होता बच्चों पढ़ने का तरीका होता है कि आपने एक बात पढ़ी उसको पिक्चराइज किया इमेजिन किया कैरेक्टर्स बदले बंद किया कॉपी और जब आप सड़क चल रहे हो तब भी आपको सब याद है। ये होता है है होता पढ़ने का। ठीक है ना? आज यहां जोधपुर में जो भी बच्चे हैं आईएफएस में उन सभी बच्चों को आज बात करने का मौका मिला था सभी बात कर रहे थे अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे थे वो बहुत सारी बातें बताए ठीक है तो चलिए फिर जब तक हम इसको डिस्कस करते हैं एक मिनट आप लोग रुकिएगा। ये इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए समझ रहे हो तो देखो कहीं जाना मत मैं यहीं पर हूँ आप भी यहीं पर रहो क्योंकि जब तक सिस्टम वापस से काम करता है मैं आपके और प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ चलो पूछो और क्या समस्या है जब रिकॉल करते हो तो कुछ याद नहीं आता है ना रिकॉल करने का तरीका यही होता है आप उसको कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करो बच्चों कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो हो जाएगी गड़बड़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप उसको कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म करो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है चलो हम आ चुके हैं वापस और अब आपको फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं टर्मिनेशन हमने पढ़ लिया राइट हमने कहानी पढ़ ली टर्मिनेशन की भी अब हमें क्या पढ़ना है यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना था यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अंजलि कह रही है कि सर मेरा भी मैसेज देख लीजिए अंजलि क्या पूछा है आपने थैंक यू सो मच हाँ देखो क्या होता है ना कि आप सब लोग क्या करते हो अभी तक सिर्फ रिवीजन रिवीजन करते हो तो जैसे कह दिया किसी टीचर ने बता दिया कि रिवीजन करो रिवीजन करो लगे रिवीजन करने पढ़ रहे हो बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो मैं कह रहा हूँ कि आराम से सबसे पहले आप रिवीजन करो लेकिन क्वालिटी कितनी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चबाने के बजाय उसको इनटेक करने के बजाय उसका क्वालिटी डाइजेशन कैसा है वो चेक करते रहें क्या आप इंफॉर्मेशन जो आप कंज्यूम कर रहे हो क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो आपका डाइजेशन अगर सही रहेगा हाजमा दुरुस्त रहेगा तब तो काम बनेगा है ना तब कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में बैठेगा और अगर आपका हाजमा बिगड़ा तो सब काम गड़बड़ इसलिए सबसे जरूरी बात है कि ब्रेन कितनी चीजों को क्वालिटी तरीके से मेंटेन कर रहा है और कैसे आपको मेंटेन कर रहा है इस चीज पर आप ज्यादा ध्यान दें खैर बात कर लेते हैं अब हम यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बच्चों यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए है ना ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका प्रमोटर पहचान लें कि प्रमोटर कैसे होता है प्रमोटर के बाद इसके आर एन ए पोलिमरेज को जान लें कि आर एन ए पॉलिमरेज कैसे होते हैं असल में इसके पास आर एन ए पोलिमरेज वन आर एन ए पोलिमरेज टू और आर एन ए पोलिमरेज थ्री होते है. अब तीनों आर एन ए पोलमरेज क्या क्या काम करते हैं ये आपको पता है मैंने पिछली कुछ क्लास में बताया है कि आर एन ए टू का मुख्य रूप से काम क्या होता है एम आर एन ए प्रोडक्शन मुख्य रूप से आर एन ए वन का मुख्य रूप से काम क्या होता है आर आर एन ए का प्रोडक्शन और इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है टी आर एन ए का प्रोडक्शन टी आर एन ए की सेंसेस ये करवाता है हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यही करवाता है क्योंकि आप देखोगे कुछ स्प्लाइसियोसोम के यू सिक्स आर आर ये बना रहा है बाकी सब ये बना रहे हैं एस आई आर एम आई आर एन ए ये सब सेंसेस करने का काम आर एन ए सेकेंड का है बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट बनाती हैं बहुत सारे आर एन सेकंड सेकेंड बनाते हैं बहुत सारे चीज़ें आर एन ए थर्ड बनाते हैं लेकिन जो इनका मुख्य काम है जो मेन तीन आगे काम हम पढ़ने वाले हैं वो ये है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो आपको आ रही हैं वो मैं समझता हूँ कैसे इसको दूर करें इसके भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना चाहिए आपको है ना उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा योगेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सर इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती हिंदी मीडियम के विद्यार्थी मैं भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कई सारे सैकड़ों हज़ारों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ठीक है तो ऐसा ये कुछ भी नहीं है इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज जिसकी प्रैक्टिस करते रहने पर वो अपने आप समझ में आ जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब काम पता चल जाएगा हम बात कर लेते हैं पहले यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की फिर आपके सवालों के जवाब आगे देते रहेंगे देखो यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमें समझना है कि प्रमोटर कैसे होते हैं प्रमोटर के लक्षण क्या है तो प्रमोटर को समझेंगे आर पॉलीमरेज में तीन प्रकार के आर एन

पॉलीमरेज पॉलीमरेज काम में आता है है यानी हमारे लिए क्या जरूरी है? हमें को पढ़ना जरूरी है तो फर्स्ट और टू को पढ़ना जरूरी नहीं है नहीं है जरूरी वो भी है पर मुख्य रोल इसी का है तो पहले इसी पर फोकस करते में कौन -कौन से सीक्वेंस होते हैं ये भी जाने कि क्या यहां भी यू कैरियोर्स में भी कोई ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको पहचान करके आर एन ए बैठा है होता है और एक बात इंपॉर्टेंट है आप जरूर देखोगे कि प्रोकैरियोटिक प्रमोटर आमतौर पर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक प्रमोटर कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर यानी अगर प्रोकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस नहीं करना है तो उनको रोकना पड़ेगा रिप्रेसर लगाना पड़ेगा भैया रुक जाओ मत एक्सप्रेस करो क्योंकि प्रमोटर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं वो एक्सप्रेस होने के लिए सदैव तैयार है पर यू को देखोगे तो यू के होते हैं कमजोर प्रमोटर और वो प्रमोटर आर एन ए पॉलिमरेज को पहचानते नहीं कहते भैया तुम कौन हो यहाँ टहल रहे हो घूम रहे हो मैं तो तुम्हें नहीं जानता आर एन ए पोलिमरेज कहता है अच्छा नहीं जानते कोई बात नहीं मैं भी नहीं आऊंगा अब सोचो प्रमोटर और आर एन ए पॉलिमरेज एक दूसरे से मिले ही ना तो कभी ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या नहीं यही चिंता के मारे तो बाकी दूसरे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन कराने में मदद करते हैं जो प्रमोटर पर बैठ करके बुलाते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि एप पॉलीमरेज बुरा मत मानो आओ ट्रांसक्रिप्शन कराओ मैं तुम्हें रिक्रूट करता हूँ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो दीज एडिशनल फैक्टर दैट इज बेसिकली प्रोटीन्स तो दीज एडिशनल फैक्टर विल हेल्प इन द ट्रांसलेशन मैकेनिज्म सो दैट दे आर कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम कहते हैं कि यू में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है बिना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के आरएनए पॉलीमरेज से काम करवाना संभव नहीं है कारण क्या है कमजोर प्रोमोटर अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता तो बिना किसी के आरएनए पॉलीमरेज आकर के पहचान लेता पर हम कह रहे हैं ना यहां तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर नहीं है कमजोर प्रोमोटर है तो प्रमोटर कैसे होते हैं जनरली वीक जनरली वीक प्रमोटर होते हैं और इस वीक प्रमोटर को ठीक करने के लिए कई सारे एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी जरूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट विल हैिक्रूट आर एन ए पॉलीमरेज ऑन द प्रमोटर दैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट समझ चो क्या समझे चलो जब ये बात पढ़ लिया है तो ये भी बात पढ़ लेते हैं ये जरा देखो आपको आश्चर्य होगा यू कैरियोटिक पॉलीमरेज सेकेंड के प्रमोटर है सेकेंड ही वो जो एम आर ए बनाता है सेकेंड ही मतलब जो प्रोटीन कोडिंग आर का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा हम उसी के बारे में पहले पढ़ रहे हैं तो उनका देखो प्रमोटर है अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहाँ है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टार्ट साइट यहाँ सॉरी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहां से शुरू होगा तो इसके बाद वाली सारी सीक्वेंस प्लस में कही जाएंगी हम इनको क्या कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम और इसके पहले सब नेगेटिव में लिखी जाएंगी और इनको क्या कहेंगे अपस्ट्रीम आप देख रहे हो कि प्रमोटर के अप स्ट्रीम में भी कई सारे कंट्रोल एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम में भी कई सारे सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के डाउन स्टार्ट साइड के डाउन स्ट्रीम साइड में भी कई सारे यहां पर कंट्रोल एलिमेंट प्रेजेंट है।, है याद रहे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सेकेंड के साथ काम करने वाले हैं उन सभी के नाम के आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड लगेगा अब याद रहे कोई एक फैक्टर काम नहीं करता फैक्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच खूब सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं तो जहां पर डी बैठे तो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी कंट्रोल एलिमेंट कहां पर है बच्चों डाउन स्ट्रीम साइड तो डाउन स्ट्रीम साइड में एक दो तीन है यहां से इतनी दूरी में तो केवल और केवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी ही बैठता है अच्छा बैठने की शुरुआत कहां से की इस इनिशिएशन साइड से यहां पर भी टी ए टी ए वाले रिच सीक्वेंस है जिनको यहां पर आप देख रहे हो टाटा बॉक्स कहा जा सकता है टाटा बॉक्स और फिर यहां बी रिस्पॉन्स एलिमेंट भी है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी के साथ बैठता है टाटा बॉक्स पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के बैठती हैं तो खूब सारे तो यहां पर भी हैं साइट्स इवन प्रो कैरियॉट से कुछ ज़्यादा ही है प्रो कैरियॉर्ड में इतने सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी प्रो कैरियॉट में तो माइनस टेन माइनस थर्टी फाइव बस काफ़ी है अरे ज़्यादा ज़्यादा अप स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट प्रेजेंट था पर यहां तो कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट प्रेजेंट है इतने सारे सीक्वेंस मदद कर रहे हैं कारण क्या है कमज़ोर प्रमोटर कमज़ोरों की मदद करने के लिए इतना बाकी शेर अकेला आता है वो डायलॉग तो आपने सुना ही है ना शिवाजी द बॉस का मैं बोल नहीं सकता झुंड में तो कौन चलता है मुन्ना शेर अकेला आता है कौन चलता है जानते तो हो तो ये यूकैरियोटिक प्रमोटर है जिसमें इतने सारे कंट्रोल एलिमेंट है प्रो कैरियोटिक प्रमोटर में कोई कंट्रोल एलिमेंट नहीं था एक काम ये भी है एक प्रश्न यहां ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पर डाउन स्ट्रीम में कंट्रोल एलिमेंट पाए जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद तो आप कहोगे ये तो यू e कैरियोट में ही हो सकता है प्रो कैरियोट में नहीं होता वहां ज्यादातर कंट्रोल एलिमेंट सिर्फ आप स्ट्रीम में देखे जाते हैं कोर प्रमोटर का कुछ हिस्सा ठीक है प्रीति कह रही है डॉग्स नहीं डॉग्स नहीं पिग्स कहा था ठीक है पिग्स को हिंदी में झुंड में तो पिग्स आते हैं मुन्ना अकेला आता है खैर चलो यहां पर आपने देखा इस प्रमोटर पर कौन कौन कैसे बैठेगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा जरा देखिए इसको आरएनए पॉलीमरेज शादी ब्याह में आए उफवा जी की तरह हैं जो मुंह फुलाए बैठे रहते हैं कि नहीं जब तक न्योता नहीं मिलेगा और चार बार मुझे कोई कहेगा नहीं मैं तो नहीं जाने वाला बेचारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बुला बुला करके थक गए कि आइए 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 कह रहे नहीं अभी मैं नहीं आऊंगा मतलब इनका तो नखरा ही कम नहीं हो रहा है ये हालत है जरा देखो इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितने मुद्दतों बाद यह आ रहा है तो यहां पर आप देखेंगे डायलॉग देखा है ना भाई अरे देखी नहीं मूवी अरे बताओ इतनी अच्छी मूवी है देखो ये है बच्चों टाटा बॉक्स टाटा बॉक्स पर सबसे पहले बाइंड करता है कौन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर गई है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी यहाँ पर बाइंड हो गया अच्छा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी काफी दूर तक बाइंड रहता है ये भी आप जानते काफी दूर तक बाइंड रहता है इसके बाद क्या होता है सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जिसको बोल सकते अब उसके बाद देखिए नखरे नहीं कम हो रहे हैं आ रहे आने को तैयार नहीं मुंह फुला के बैठे नहीं नहीं आएंगे अरे भाई क्यों नहीं आएंगे आइए आइए खातिरदारी हो रही है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आया डी ने ए को बुलाया ए ने बी को बुलाया अब देखो डी ए बी सब आकर के बैठे तब भी नहीं आ रहे हैं इतना नखरा ओहो, ऐसे कैसे सब आकर के बैठ गए लेकिन अभी ये आने के तैयार नहीं है अब आए भाई साहब इनको जरा देखिए ये आ रहे हैं किसके साथ आ रहे नहीं सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ अब जो ब्लू कलर का देख रहे हो ना ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ है मेरे फुफा जी तो देख नहीं रहे होंगे लेक्चर शायद पता नहीं देख रहे होंगे कि नहीं वो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं बहुत ठीक <laughs> है वो देख रहे होंगे तो ये दिक्कत है <laughs> मैं तो एक कॉमन बात कर रहा हूँ तो देखो आरएनए पॉलीमरेज़ यहां पर आया और और ये आए किसके साथ? साथ। साथ के के जब आते हैं, तब जा करके ये जाकर हो। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ के साथ आया एफ ने रिक्रूटमेंट में मदद करी आर एन पॉलिमरेज की और तभी हो पाया जब एडिशनल फैक्टर वहां पर ऑलरेडी बाइंड थे अरे कलर लेके चले जाओ ब्लैक एंड वाइट कलर ले के चले जाओ, जाओ एडमिट कार्ड क्या दिक्कत है वहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कलर ले के चले जाओ दोनों कॉपी रख लो इतना क्या सोचना इतनी छोटी इस चीज़ में इतना सोचने लग जाओ ज़िंदगी में कैसे जियोगे दोनों रख लो क्या है दिक्कत ठीक है चलो आखिरकार आ गए आ गए भाई साहब अब देखो अब ये चलने के लिए तैयार नहीं है ये कह रहे हैं कि नहीं है, मैं अभी नहीं चलूंगा अभी इनका क्लोज कॉम्प्लेक्स बना है ये आ तो गए हैं पर इनिशिएशन नहीं हुआ है क्लोज कॉम्प्लेक्स बना है इसके बाद अब कहानी कैसे बढ़ रही है आगे कि कुछ और फैक्टर आते हैं पहले डी ए बी आए फिर एफ के साथ आर एन ए आया चलो चलो बताओ बताओ कौन आए डी ए बी पहले टीबीपी आया था यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन उसी के साथ डी आया था या उसी को बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी इज ऑल्सो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्योंकि वहीं पर बैठा है तो डी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर बुलाया गया एफ को जो आर एन ए पॉलीमरेज को लेकर आया और फिर आकर के बैठ गया क्लोज कॉम्प्लेक्स बने हैं फिर ई e आया फिर एच बी आया तो डी ए बी एफ आर एन ए एच और ई एच आए तब अब कहानी शुरू हो गई है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच के पास कुछ शक्तियां हैं कुछ तिलिस्मी शक्तियां तिलिस्मी ठीक है ना अब ये तिलिस्मी शक्तियां कैसे काम करेंगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच ने इस आरएनए पॉलीमरेज की पूज पर इसकी सी टर्मिनल डोमेन है ये, सी टर्मिनल डोमेन पर आरएनए पॉलीमरेज की पूंछ पर पॉस्फोर कर दिया अब यहां पर कुछ फॉस्फोराइलेशन की साइट्स हैं बच्चों यहां पर फॉस्फेट लगा दिया फॉस्फेट लगने से क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा स्टार्ट समझे तो पहले डी ए बी एफ आरएनए पोलिमरेस देन ई एच और जैसे ही ई e एच आया तो एच ने क्या किया एच ने लगा दिया एच के अंदर काइनेज एक्टिविटी होती है एच हैविंग काइनेज एक्टिविटी ठीक है बच्चों एच हैविंग काइनेज एक्टिविटी और काइनेज एक्टिविटी से जो पॉलीमरेज है इसका सी टर्मिनल डोमेन है इस सी टर्मिनल डोमेन पर लगा दिया फोस्फेट ठीक है अब आपको इसका स्क्रीन लेना है तो ले लो मोनिका ने पढ़ा है लगता है बता रही हेलिकेस और काइनेस दोनों होती है हाँ इसके पास दो फैक्टर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के पास डी और बी एक्सपीडी डी और एक्स पी इसके वजह से इसके पास दोनों ही एक्टिविटी होती है काइनेस एंड ज अभी तो यहां काइनेज की काम थी इसलिए मैंने काइनेज केबल लिखा खैर जब काइनेज एक्टिविटी हुई तो जरा देखिए समझिए अब इस बात को अब यह कहा जा रहा है कि सी टर्मिनल डोमेन पर फॉस्फेट लगा फॉस्फेट कहां लगा सी टर्मिनल डोमेन पर कुछ अमाइनोसिट सीक्वेंस कंजर्व रखे गए हैं बच्चों समझे कुछ एसिड सीक्वेंस कंजर्व रखे गए जरा इनको सुनिए और समझिए कि कंजर्व कैसे रखे अभी अभी देखा आपने सी टर्मिनल डोमेन पर फॉस्पेट लगा देखो फॉस्पोरेशन जो सी टर्मिनल डोमेन पर हो रही है वहां पर कुछ सात एसिड के सीक्वेंस कंजर्व है सात मायनो एसिड के सीक्वेंस कंजर्व हैं, कॉमन कौन सी है वो मायनो एसिड यहां पर दे रखा है टायरोसिन है सेरीन है प्रोलीन है आप फिर से देख रहे हो थ्रीओनीन है, है सेरीन है फिर प्रोलीन है देन सेरीन है सेरीन आप कई जगह पर देख रहे हो सेकेंड पोजीशन पर फिफ्थ पोजीशन पर सेवंथ पोजीशन अच्छा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन रिपीट्स की संख्या बढ़ती गई उदाहरण के तौर पर कि ये रिपीट्स ईस्ट में देखोगे तो बहुत कम मिलेगी फ्रोसोफिला तो में देखोगे तो ज़्यादा मिलेगी ह्यूमन तक आते आते ये इन रिपीट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिपीट्स की संख्या लगातार बढ़ते हुए देखा गया है तो रिपीट्स बढ़ते जा रहे हैं चलो ये भी बात ठीक है रिपीट्स बढ़ रही है अब इन रिपीट्स में आप ये भी देखें कि फॉस्फेट लगाने की जगह कौन सी है फॉस्फेट लगाने की जगह है बच्चों एक तो है ये वाली जगह फिफ्थ सेरीन दूसरा सेकंड सेरीन ये सेकंड और फिफ्थ ये दो पोजीशन है ठीक है तो ये सीक्वेंस जो हैं ये कंजर्व हैं और इन सीक्वेंस पर फॉस्फेट लगाया जाता है फॉस्फेट लगाने का काम कौन करता है एच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच कब लगाएगा इनके ऊपर फॉस्फेट जब वो रिक्रूट होगा तब पूछ सीधी हो जाएगी और पूछ सीधी हो जाएगी तो गाड़ी आगे चलने लग जाएगी अच्छा इस पर फॉस्फेट लगाने से जब कभी भी आप देखेंगे जब इनिशिएशन होना होगा तो क्या होगा जानते हो इनिशिएशन के लिए क्या जरूरी है अब आप देख रहे हैं कि जैसे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है तो यहां पर देख लेना प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है कोई फॉस्फोरिलेशन नहीं है पर जैसे प्रमोटर स्केप होना होगा तो फिफ्थ सरीन पर फॉस्फो हो जाएगा बच्चों ठीक है फिफ्थ सरीन पर प्रमोटर स्केप सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहीं बैठे रह जाएंगे प्रमोटर पर ही और आरएनए पॉलीमरेज की गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी गजब ये तो अच्छा ही हुआ बहुत बढ़िया बात है तो फिफ्थ सरीन पर जब फॉस्फेट लगेगा बच्चों तो कैपिंग एंजाइम आकर के रिक्रूट हो जाएगा क्योंकि प्रमोटर स्केप होने का मतलब है कि इनिशिएशन हो चुका है अब इलोंगेशन की बारी है सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पीछे बैठे रह गए पुफा जी आगे बढ़ गए फुफा जी कौन है आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पोलीमरेज आगे बढ़ गया कब जब फिफ्थ सेरीन पर फॉस्ट्रोलेशन हुआ तो इनिशिएशन होने के लिए प्रमोटर स्केप का होना जरूरी है और प्रमोटर स्केप होने पर आर एन ए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है एट द सेम टाइम सेकेंड और फिफ्थ विल फेवर्स द कन्फर्मेशन ऑफ सी टी डी वहां पर रिक्रूट होने लग जाए कैपिंग एंजाइम वहां पर कैपिंग एंजाइम बैठ जाता है आकर के कि फॉस्फेट लगते ही अब उसकी कंफर्मेशन ऐसी होगी कि वो कैपिंग एंजाइम को बुलाता है कि आओ भैया आओ अभी आर एन ए निकलेगा तो तुम्हें कैप भी लगाना है तो कैपिंग और टेलिंग यू कैरियोटिक एम का एक बहुत एसेंशियल फीचर है क्योंकि यू के लिए साइटोसॉल में भेजना पड़ेगा और साइटोसॉल में कई सारे एक्सो रखे होते हैं एंडो रखे हुए एक्सो न्यूक्स खास तौर पर रखे हुए हैं कहीं वो आर पर न कट लगा दें इससे बढ़िया है कि आर को सुरक्षित रखो टेल और कैप लगा दो टेल जितनी लंबी कर दोगे उतना बढ़िया हाफ लाइफ उसकी रहेगी कैप अच्छे से लगा दो कि कोई फाइव प्राइम एक्सो न्यूक्लियस ढूंढ ना पाए फाइव प्राइम से तोड़ ना पाए ठीक है ना तो प्रमोटर स्केप किया कैपिंग हुई और उसके बाद आप देखें इसके बाद फिर नहीं चल रहा ये अजीब समस्या है आप इसमें देख लीजिए मैं स्विच करता हूं इसके बाद आप देखिए कि जब कभी भी यहां पर नीचे वाले डायग्राम में सबसे नीचे वाले में देखिए सेकेंड सरीन पर जब फॉस्ट्रेशन हो रहा है तो सेकेंड सीरीन पर फॉस्ट्रोलेशन का मतलब अब इलॉन्गेशन हो जाएगा और इलॉन्गेशन के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड वाले डायग्राम में देखिए आ रहे पॉलिंग के कौन बैठा है यहाँ पर फ्लाइसिंग मशीनरी बैठी है तो जब कभी भी फिफ्थ सरीन पर फॉस्ट्रुलेशन होता है तो बच्चों प्रमोटर स्केप होता है जब सेकेंड स्क्रीन पर फॉस्फुलेशन होगा तो बच्चों इलोंगेशन होगा और इलोंगेशन होगा तो कौन से फैक्टर आकर के बाइंड कर जाएंगे फ्लाइसिंग फैक्टर कौन बाइंड हो जाएगा फ्लाइसिंग फैक्टर प्रीति मिश्रा कह रही हैं कि वो यहां पर नहीं है मिश्रा जी आपका स्वागत है और बढ़िया है रहिए ठीक है।, है और मैं कहता हूं कि जिन बच्चों को अभी आना है तो पांच फरवरी वाला एग्जाम जो जो बैच अभी आप लोग का रिजल्ट तो आ ही गया है तो ऑफलाइन आ सकते हो अभी भी जोधपुर और पुणे आपको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, कि आप अभी भी आ सकते हैं क्योंकि ज्यादा समय बीता नहीं है तो ये नई यूनिट जब शुरू हो रही है तो आप आराम से पढ़ लिख सकते हो आपका बैच चलता रहेगा ठीक है।, है ना तो बच्चों क्या समझ में आई ये बात क्या समझ में आई देखो जब कभी भी फिफ्थ सरीन पर फॉस्टुलेन होगा तो कैपिंग एंजाइम आकर के बैठेंगे सरीन पर होगा, तो इलोंगेशन चलेगा ठीक है फिफ्थ सरीन पर फॉस्टुलेशन से प्रमोटर स्केप होगा और सेकंड पर बैठते ही इलोंगेशन वाली गाड़ी चल पड़ेगी लेकिन वहां पर कौन आकर के बैठ जाएगा स्प्लाइसिंग फैक्टर फिर उसके बाद आप देखेंगे लास्ट लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कौन बैठा होगा स्प्लाइसिंग फैक्टर आकर के स्प्लाइस करा देंगे फाइनली वो तो बहुत देर में स्प्लाइसिंग फैक्टर काम करते हैं वो इतनी जल्दी काम नहीं करते पॉली कराने वाले फैक्टर भी आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं अब आपको मैं बता दूँ कि जैसे अभी किसी ने पूछा था कि सर कैपिंग पहले होती है या स्प्लाइसिंग पहले होती है तो भाई आर निकलते ही तुरंत कैप लगा देना बहुत ज़रूरी है तो आर जैसे ही निकलेगा एग्जिट हो ही रहा था कि कैपिंग एंजाइम तुरंत यहाँ पर कैप लगा देगी देखो कैपिंग एंजाइम वहाँ बाइंड हुआ था और तुरंत यहाँ पर आकर के कैप लगा दिया अब स्प्लाइसिंग का लोग पूछ रहे हैं कि स्प्लाइसिंग क्या होती है स्प्लाइसिंग क्या पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद होती है या फिर ट्रांसक्रिप्शन होते होते ही बन जाती है तो स्प्लाइसिंग आमतौर पर हमेशा आमतौर पर हम कह सकते हैं हमेशा नहीं आमतौर पर देखा गया कि स्प्लाइसिंग जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल फिनोमिनन है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद स्प्लाइसिंग होती है कहीं कहीं कुछ एकाद एग्जाम्पल यह भी मिले हैं कि को ट्रांसक्रिप्शनल स्प्लाइसिंग हो यानी ट्रांसक्रिप्शन होते होते स्प्लाइसिंग की कहानी चलती रहे पर ऐसा आमतौर पर नहीं देखा गया जो कॉमन बात है कि स्प्लाइसिंग इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल फिनोमिनल तो पहले कैपिंग ऑब्वियसली फिर ट्रांसक्रिप्शन का कंप्लीशन एंड देन स्प्लाइसिंग ठीक है ना बायोलॉजी इन्फेक्शन कह रहे हैं पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स हैं कितने का टारगेट टारगेट को कम क्यों बनाना है बच्चों टारगेट रखो 120 का समझे 120 नंबर का टारगेट रखो चलो अब आपने ये तो पढ़ लिया अब आपको मैं बताता हूँ एक दूसरी कहानी भाई जो कैपिंग वाले एंजाइम आए और कैपिंग लगाई तो कैसे लगाई इसका स्क्रीन इस पहले ले लेना क्या होता है फिर मैं आपको कैपिंग समझाता हूँ ठीक है और ये आज बार बार नाटक कर रहा है ये सिस्टम इस सिस्टम को इस सिस्टम को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इस सिस्टम को बस बच्चों वापस से लौट रहे हैं अब कैपिंग आपको बताते हैं तो पढ़ तो एकदम लोगे आप कैपिंग वैपिंग तो फटाफट आ जाएगी कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं देखो कैपिंग को देखो अब कैपिंग कैसे होती है फाइव प्राइम कैपिंग ठीक है ना तो टर्मिनेशन फाइव प्राइम ये रहा फाइव प्राइम कैपिंग जरा देखिए कैपिंग हो कैसे रही है कैपिंग होने के लिए सबसे पहले क्या हुआ यहां पर देखिए ग्वानीन को लाकर के फाइव प्राइम एंड पर जोड़ने की कोशिश करी जा रही है अच्छा ग्वानीन को जोड़ेंगे कैसे वापस से इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूं जरा देखिए क्या हो रहा है आरएनए बना फाइव प्राइम एंड पर तीन फॉस्फेट दिखाई दे रहे थे यहाँ पर एक गवानी को बुलाया और एंजाइम को बुलाया जिसका नाम है आर ने ट्राई सबसे पहले ट्राई को बुला करके यहाँ से गामा फॉस्फेट निकाल दिया गया तीन फास्फेट में से एक फॉस्फेट हटा दिया गया गामा फॉस्फेट निकल गए उसके बाद जब गवानी को इसके पास लाए ना तो ग्वानी का जो अल्फा फॉस्फेट है वहाँ पर जो अल्फा फॉसफेट है उसने इसके ऊपर वापस न्यूक्लोफ्लिक अटैक किया ये इसके अल्फा न्यूक्लोफ्लिक अटैक तो नहीं कह सकते असल में किसी एंजाइम की मदद से अल्फा फॉस्फेट को उठा करके जोड़ा गया है तो क्या किया गया यहां का बीटा फॉस्फेट उस अल्फा फॉस्फेट से जुड़ रहा है और इसके जोड़ने में ग्वानिल ट्रांसफरेज नाम का कोई एंजाइम काम कर रहा है ग्वानी को उठा करके जोड़ दिया अब उठा करके जब जोड़ा तो यहां फॉस्फेट कौन से दिखाई दे रहे हैं बच्चों शुगर के सबसे नज़दीक वाला फॉस्फेट होता है एल्फ़ा फिर बीटा फिर आना चाहिए गामा लेकिन गामा तो चला गया गामा तो गयो आया कौन आया है ग्वानीन वाले फास्फेट एल्फ़ा तो एल्फा बीटा एल्फ़ा फॉस्फेट दिखाई दे रहे हैं अब ये जो एल्फ़ा बीटा एल्फा फास्फेट है इसको किसी भी एक्सो न्यूक्लियस के बस की बात नहीं है कि वो उसको ढूंढ पाए वो कहते हैं यार मैंने तो अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट देखा था वहां बैठते थे आराम से बैठ करके एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी करते थे ये क्या अजीब साइट बना रखी है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसके बॉन्ड को कैसे ब्रेक करें तो कैपिंग एंजाइम में बेटा कौन कौन आया सबसे पहले सबसे पहले आया आरने ट्राई जिसने आरने के आखिरी फॉस्फेट को हटा दिया फिर आया ग्वानिल ट्रांसफरेस जिसने ग्वानीन न्यूक्लोटाइड को उठा करके यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करी ग्वानीन का एल्फा फॉस्फेट इसके साथ जोड़ दिया अब जोड़ देने के बाद फाइनली क्या हो रहा है कि ये यह फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गए हैं और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो लास्ट में अगर आप देखो तो मेथिल ग्रुप भी लगा दिया है सेवन मेथिल थ कार्बन पर मिथाइलेशन भी कर दिया कार्बन पर करने का पर्पस ये है यदि किसी एक्सो न्यूक्लियस में यह ताकत है कि वो इसको रिकॉग्नाइज करें कैप तो यहां मेथिल ग्रुप लगा करके और बेस को मॉडिफाई कर दो इतना कि कोई एक्सो न्यूक्लियस की पहचान में ही ना आए समझे तो इसको हम कह देते हैं कि यह हो गई है कैपिंग तो कैपिंग करने का परपज यही था कि कोई एक्सो न्यूक्लियस ढूंढ ना पाए और न्यूक्लियस नहीं ढूंढ पाता यदि ऐसा हो जाता है तो जो थोड़ी बहुत कसर थी मेथाइलेशन से वो भी पूरी हो गई तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि उसको कोई एक्सो न्यूक्लियस ढूंढ पाए तो फाइव प्राइम कैप अब ये सुरक्षित है इसलिए आप ऑफलाइन बैच आ करके ज्वाइन कर सकते हो चाहे जोधपुर आ जाइए चाहे पुणे आ जाइए बस झोला उठाइए और आ जाइए इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं जिनको हम कल की क्लास में करेंगे पूरी तो आज हमने बहुत कुछ बातें पढ़ ली हैं कल हम थोड़ा स्प्लाइसिंग की बात पढ़ लेंगे कि कैसे आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है और हम इसके टर्मिनेशन की बात कर लेंगे आज लगभग लगभग हमने कैपिंग भी पढ़ ली है कल थोड़ा हम पॉलीएडनाइलेशन पढ़ लेंगे और स्प्लाइसिंग पढ़ लेंगे स्प्लाइसिंग ख़त्म हो जाएगी देन ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे तो देखो बहुत आसान था कोई ऐसा नहीं था कि कुछ कठिन है अब जैसे मेथाइलेशन का ही आपने देखा मेथाइलेशन का तो आप देखोगे कि मेथाइलेशन जो प्रोसेस है ना जैसे अभी आपने देखा कि सेवेंथ पोजीशन पर ग्वानीन के जो नाइट्रोजन बेस है सेवेंथ पोजीशन पर आपने मेथाइलेशन देखा कभी कभी शुगर पर भी मेथाइलेशन हो जाता है कभी कभी आर के शुगर पर मेथाइलेशन कर देते हैं और इस तरह से कैप में अलग अलग वेरिएशन भी पाए जाते हैं जो सी सेवन मेथाइलेशन आपने सेवन मेथल गवानी आपने देखा है वो सी ज़ीरो कैप कहा जाता है यदि गवानीन के शुगर पर मेथाइलेशन जोड़ दिया जाए उसको सी वन कैप कहते हैं यदि आर एन ए के शुगर पर मेथाइलेशन कर दिया जाए तो उसको सी टू कैप कहते हैं तो कैप के भी कई प्रकार हैं और ये वेरिएशन इसलिए रखते हैं कि ऐसा बदल दो फाइव प्राइम किनारे को कि कभी एंजाइम ढूंढ ही ना पाए कि बैठना कहाँ है ऐसी स्थिति तो मैंने कभी देखी नहीं यहाँ नहीं बैठ सकते जब बैठ नहीं पाएगा एंजाइम तो काटेगा का कैसे एक्सोन्यूक्स एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो फाइव पाए प्राइम एंड को सुरक्षित करने का सेफ करने का यह एक तरीका है कि वहां पर कुछ नई चीज जोड़ करके बेस को मॉडिफाई कर दो कि कभी वो पहचान ना पाए ऑफलाइन का फी स्ट्रक्चर क्या है ऑफ़लाइन काफ़ी स्ट्रक्चर है बच्चों फोर्टी थाउजेंड फ़ीस है पर इस फोर्टी थाउजेंड में कुछ डिस्काउंट्स लगते हैं आपके अब वो कौन से डिस्काउंट आप पर अप्लाई हो रहे हैं वो आप ऑफलाइन में कॉल करके मतलब आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से डिस्काउंट लग रहे हैं कितनी फ़ीस है ये सब कुछ पता कर सकते हैं एक बात ध्यान रखें कि जोधपुर और पुणे में जो डिस्काउंट प्राइजेज़ हैं उनमें अंतर हो सकता थैंक यू सो मच एवरी कैसा लगा आपको लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने आपके कविता पढ़ा मैंने सब कुछ पढ़ा मैंने पढ़ रखा है और आप लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिएगा मुझे बताइएगा ज़रूर ठीक है देखो कैजुअल ने कहा है कि सोचा था कैजुअल ये कैजुअल कहाँ से आया एंट्री तो अच्छी है पर बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ये वही कैजुअल तो नहीं सोचा था जितना दुर्गम उतना अब रहा नहीं यह दरिया पार कैसे करना है शायद इतना अच्छे से पहले किसी ने कहा नहीं हाँ हाँ ठीक <laughs> है तो थैंक यू सो मच एवरीवन ये किसने लिखा है कैजुअल ने लिखा था नेहा ने भी लिखा था शायद कविता प्रीति ने भी लिखा था कविता ठीक है सो थैंक यू सो मच एवरीवान थैंक यू आपसे मिलता हूँ मैं कल शाम पाँच बजे अपनी नोटबुक लेकर के तैयार रहना ठीक है मिलता हूँ मैं आपसे कल थैंक यू आर ए इंटरफेरेंस पे भी ज़रूर पढ़ाएंगे बिल्कुल लेक्चर लेंगे क्यों नहीं लेंगे भाई मोलिक्यर बायोलॉजी का पार्ट है तो बिल्कुल लूँगा मैं जितना हो सकेगा मैं वो पढ़ाऊँगा सेंट्रल डोगमा मैंने पढ़ाने का आ, सोचा है मोलिक्योर बायोलॉजी में तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा है ना चलिए थैंक यू